आज हम पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है? तो कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं? थोड़ा बहुत तो ओवरव्यू देना चाहेगा कोई? एनी स्टूडेंट? मैम, सारा मेडिकल वेस्ट वगैरह जो सॉइल में मिक्स होते हैं, फिर वो हार्मफुल होता है जो क्रॉप ग्रो होती है। ठीक है ठीक है। और बताओ। हाँ जी, क्या होता है सॉलिड वेट मैनेजमेंट? आज किसने नहीं ट्राई करना? हमारे डॉक्टर साहब कहाँ पे हैं? यस मैम। हाँ जी बताओ जी डॉक्टर साहब, सॉलिड वेट मैनेजमेंट में क्या होगा? मैम जो चीजें मैम वेस्ट हो गई, अगर जैसे कुछ सॉइल वगैरह में मिल जाती हैं, वो हार्म करती हैं। ठीक है। और जैसे मैम केमिकल्स, ओके ठीक है, ठीक है अजय, ठीक है। हम सिंपल भाषा में अगर बोलें तो ये बोल सकते हो कि गार्बेज को मैनेज करना, कैन वी से दिस? यस मैम। ओके, तो अगर गार्बेज की बात करें तो गार्बेज ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेडिकल टाइप का ही हो। गार्बेज कैन बी, रिसाइकलिंग भी होती है हाँ जी ये? रिसाइकलिंग भी होती है ये? हाँ जी, वही है, इसमें पढ़ना है हमने कि रिसाइकलिंग कैसे करनी है, रीयूज कैसे करना है, वो सारा कुछ। ठीक है, जो यस मैम। बेसिकली सॉलिड वेस्ट है दैट इज गार्बेज बेसिकली, ठीक है? तो वो म्यूनिसिपल्स या फिर इंडस्ट्रीज या फिर एग्रीकल्चर भी हो सकता है, मेडिकल भी हो सकता है, और सीवेज स्लज भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स हैं सॉलिड वेस्ट की जो यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है? बेसिकली अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो गार्बेज किसी भी सोर्स से, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, हाउसहोल्ड हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, मेडिकल ट्रीटमेंट्स में जो मेडिकल वेस्ट होता है वो हो सकता है, या कोई और भी डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती है, ठीक है? तो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको हम रीयूज करना है या फिर रिसाइकल करना है, कैसे डीजनरेट करना है, वो सारे जो भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है? अभी इन्होंने एक छोटा सा टेबल बना के बताया कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स को डीजनरेट होने, मतलब क्या होने में, रिसाइकल होने में बेसिकली बोल सकते हो, या रिड्यूस होने में कितना टाइम लग रहा है। तो अगर नॉर्मल ऑर्गेनिक वेस्ट की बात करें, ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होगा, जो बेसिकली हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का वेस्ट होगा, ठीक है? जिसमें हमारे वेजिटेबल्स, फ्रूट, सारा कुछ आएगा, देन लेफ्ट ओवर फूड स्टफ है, ये सारा कुछ आएगा। ऐसे वेस्ट को डिजनरेट करने के लिए मैक्सिमम 2 वीक्स का टाइम लगता है, 1 वीक और 2 वीक का, ठीक है? अब ये याद तो होंगी नहीं, बट यस आपको इतना याद जरूर करना है कि प्लास्टिक बैग्स और ग्लास बॉटल्स का टाइम लिमिट इज अनडिटरमाइंड, ये चीज याद रखनी है। सेकंड थिंग आपने याद रखनी है कि ऑर्गेनिक वेस्ट एंड पेपर, ये दोनों बहुत जल्दी डिजनरेट होते हैं क्योंकि इनको मैक्सिमम डेज का ही टाइम चाहिए, मंथ्स तक नहीं जाते हैं, ठीक है? ये दो चीजें आपने याद रखनी है। बाकी कॉटन क्लॉथ को 2 to 5 months लगते हैं, वुड को 10 to 15 years लग सकते हैं, वुडन आइटम्स को, वुलन आइटम्स को 1 year लग सकता है, टीन, एल्युमिनियम और मेटल के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको 100 to 500 years तक लग जाते हैं, ठीक है? बट जो प्लास्टिक बैग्स बोल दो या ग्लास के बोटल्स बोल दो, इनका टाइम हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब ये वैसे तो ये होता ही नहीं है। कभी आज तक किसी को ऐसा रिजल्ट्स नहीं मिले कि उन्होंने प्लास्टिक को डिजनरेट कर लिया हो, मतलब इतना टाइम हो चुका है इसके ऊपर स्टडीज के लिए, पर वो नहीं हो रहा स्टिल, ठीक है? तो डेट इज ए प्रॉब्लम विच इज कॉजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन टू अवर एनवायरमेंट, ठीक है? देन कम्स कि हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है इसमें हमने क्या करना है। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा सॉलिड वेस्ट क्या है और कैसे कैसे कितना कितना टाइम लगता है किस किस टाइप के वेस्ट को डिजनरेट होने में। देन कम्स कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें क्या है, ऑन साइट हैंडलिंग करनी, स्टोरेज करनी एंड प्रोसेसिंग करनी। मतलब क्या है ऑन साइट हैंडलिंग, मतलब जहां से वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, लाइक आपने घर में सब्जी बनाई तो उसके कुछ जो लेफ्ट ओवर्स
पील्स करने के बाद जो लेफ्ट ओवर बच जाता है तो डेट इज ओन वो आपका घर का वेस्ट है. तो वहीं पे अगर आप दो टाइप के डस्टबिन लगाओ, एक वो वाला डस्टबिन जिसमें बायोडिग्रेडेबल सारा वेस्ट हो और दूसरा जिसमें जो जल्दी डिजेनरेट नहीं होता वो वाला वेस्ट हो. तो आप अगर डिजेनरेटेड वेस्ट को अलग रखोगे तो वो आपके जो म्यूनसिपैलिटीज हैं जो घरों से जो वेस्ट इकट्ठा करके लेके जाती हैं उनके लिए इजी रहेगा उसे रीजनरेट करना रेन सेपरेटिंग देयर एट देयर ओन वेस्ट. ठीक है, तो ऑन साइट हैंडलिंग का मतलब यही है कि हमें जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वेस्ट वहीं पे हमें लोगों को अवेयर करना है कि कैसे किस टाइप का वेस्ट जो है वो जल्दी डिजेनरेट हो सकता है और उसे किस कैटेगरी में डालना है और उसको अलग रखना है बाकी वेस्ट. ठीक है, देन कम्स कलेक्शन ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट. अब जब घरों से हमने इकट्ठा कर दिया, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया कि कौन सा वेस्ट को अलग डस्टबिन में डाला, दूसरा अलग में डाला, फिर उसके बाद जो आएंगे वहां से वेस्ट को इकट्ठा करने लोग लेके जाते हैं तो वो कलेक्ट करेंगे देन ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे उनको डिजेनरेट करना है, जहाँ पे डिजेनरेशन प्लांट्स लगे होंगे सॉलिड वेस्ट के. ठीक है, तो वहां पे वो लेके जाएंगे, उसके बाद वो रिसोर्सेज की रिकवरी और प्रोसेसिंग करेंगे, मतलब उसको डिजेनरेट करेंगे, जो जो रिकवर कर सकते होंगे ठीक है उन सभी को रिकवर किया जाएगा, रिसाइकल करने वाले जो होंगे उनको रिसाइकल किया जाएगा, देन जो अगेन लेफ्ट ओवर बचेगा उसको वो डिस्पोज करेंगे बेसिकली. ठीक है, देन इन्होंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बताया कि कैसे वो करते हैं. बेसिकली वेस्ट जनरेट हुआ, उसके बाद वेस्ट को हैंडल करना, सेपरेट करना, स्टोर करना एंड देन प्रोसेस करना. वो कैसे होगा, पहले कलेक्ट किया, फिर आप उसे ट्रांसफर भी करते हो, साथ ही साथ उसको सेपरेट करके ट्रांसफर करते हो. मतलब पहले आपने चेक किया कि कौन सा डिजनरेट होने वाला वेस्ट है, उसको अलग कर दिया, फिर उसको ट्रांसफर करने के लिए अलग व्हीकल्स को यूज किया, जो डिजनरेट नहीं होने वाला वेस्ट था उसको अलग किया हुआ है तो उसके लिए अलग व्हीकल्स लगाए, देन उन सभी को अलग अलग मेथड से अपने अपने मेथड से डिस्पोज किया. ठीक है, देन जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि ऑन साइट हैंडलिंग में क्या होता है, बेसिकली हाउस होल्ड जो लेवल पे हम जो भी कर सकते हैं हैंडलिंग कर सकते हैं अपने वेस्ट की, दैट कम्स अंडर दिस. देन कलेक्शन एंड ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट. अब जैसे ही हमने हाउस होल्ड के बेसिकली अपने घर पे उस वेस्ट को कलेक्ट कर लिया तो उसके बाद उसको जो म्यूनसिपैलिटीज हैं वो आते हैं कलेक्ट करके ले जाते हैं, तो डेट विल बी अंडर दिस. ठीक है, देन आ गया हमारा रिसोर्सेज रिकवरी एंड प्रोसेसिंग. रिकवर करना, फाइंड आउट करना कि कैसे उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं या उसे वैल्यूएबल रिसोर्स बना सकते हैं, अदरवाइज उसको हम डिस्पोज कर देंगे अगर नहीं हम बना सकते तो. ठीक है, तो ये बेसिकली चार मेजर स्टेप्स हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के. ये स्टेप्स आपको आते होने चाहिए, प्लस इनकी प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन आती होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या होगा. काफी इजी लैंग्वेज में बुक में गिवन है, बाकी अगर आपको प्रोसीजर जितना मैंने बताया वो समझ आ गया, वैसे आपको पता होता है कि क्या क्या हो रहा है. ठीक है, बस आपको ये नहीं पता होता कि उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसके क्या टिपिकल वर्ड्स यूज करने, तो वो आप एक बार देख लेना, ये मैंने जो एक्सप्लेन किया वही वर्ड्स लिखने हैं वहां पे. ठीक है, यहाँ तक? यस सर. ओके, कोई स्टूडेंट इसमें कुछ ऐड करना चाहता है, कुछ अपने पॉइंट्स? नहीं करना आज किसी ने? ओके, चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. देन हियर इट इज कि क्या हम कर सकते हैं अपने सॉलिड वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए. तो आप ही बताओ क्या क्या कर सकते हो आप सॉलिड वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए. हाँ जी, हर टाइप का वेस्ट एक प्रॉपर जगह पे कलेक्ट करना. ठीक है, और ठीक है, वन पॉइंट इज दिस. नेक्स्ट पॉइंट, कम ऑन क्लास, बोलो व्हाट हैपेंड. मैम, हमारे पुराने क्लोथ वगैरह चैरिटी वगैरह को देना. ठीक है, और ओटी जनरेशन को देना. ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, और रिसाइकल. केमिकल्स का कम फेंकना मैम. क्या करना? केमिकल्स का मैम, जैसे कुछ. ओके, केमिकल्स को कम यूज करना, वेस्ट कम करना, ऐसा बोलते हैं. यस, डिस्चार्ज कम करना. ठीक है, और बोलो. प्लास्टिक ज्यादा यूज करना है.
क्या कर सकते हैं? क्लॉथ बैग, क्लोथ बैग, ठीक है, क्लोथ बैग्स भी कर सकते हो, पेपर बैग भी कर सकते हो, क्यों? क्योंकि उनको डेज ही चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, वो मंथ्स तक नहीं जाते डिजेनरेट होने के लिए, ठीक है. देन और जूट बैग, जूट बैग्स कर सकते हो, राइट. और रिसाइकल कर सकते हैं, पेपर को दोबारा दोबारा रिसाइकल करके कर सकते हैं यूज, ताकि ट्रीज की कटिंग कम हो, ठीक है. और ठीक है, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं यार, बोलो ना, जरूरी नहीं जो यहाँ पे गिवन है वही बोलने हैं, गलत हो जाएगा अगर बोल भी दोगे कोई गलत पॉइंट, तो क्या हो गया, मैंने कौन सा खा जाना है आपको, बोलो. जगमीत कहाँ पे आज? आज जगमीत जी नहीं बोल रहे. यस मैम. क्या हुआ, आज बोलना नहीं है? मैम ओशियन और बेस कम, एक एक बोलो. हाँ जी मैम, वो ओशियन और सीज में वेस्ट कम फेंकना, ठीक है. और अच्छा, हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एक्टिविटी करते होते थे, याद है वो? यस मैम. वो क्या थी मैम? जो चीज वेस्ट हो जाती है फिर उसको ऐसे यूज करके कि एक नई चीज बन जाए, रीयूज, राइट? यस मैम. तो वो भी इसी के अंदर आएगी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर. यस. ओके. और बोलो. ओके, स्क्रॉल करूं थोड़े नीचे वाले पॉइंट्स देखने हैं तो. अब ओके, ठीक है. बेसिकली जो हम डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं ना, वो सारी चीजों को कैसे, उन सभी चीजों में भी हम सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट के डिफरेंट मेथड्स बता सकते हैं, ठीक है. लाइक इन्होंने यहाँ पे बताया कि जब आप आइटम्स बाय करते हो तो बल्क में बाय करो. क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा चीज बाय करोगे तो आपको बड़ी पैकेजिंग मिलेगी, तो वहीं अगर आप छोटे छोटे चार पांच पॉलिथीन लो, उसकी बजाय अगर आप एक ही बड़ा पॉलिथीन लो तो उनमें थोड़ा डिफरेंस होगा. अब अगर वो पॉलिथीन बैग्स की बजाय अगर आप क्लोथ्स के बैग ले रहे हो या फिर पेपर बैग ले रहे हो, देन ऑल्सो इट इज बेनिफिशियल. देन शॉपिंग के टाइम पे भी जब आप प्रोडक्ट्स बाय करते हो तो उस केस में आप वो वाले प्रोडक्ट्स बाय करो, या फिर कंपनीज को चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट्स को कुछ ऐसी पैकेजिंग प्रोवाइड करे कि कम से कम मटेरियल यूज हो पैकेजिंग के लिए, बट हमारा प्रोडक्ट भी वेस्ट ना हो, खराब ना हो, ठीक है. देन जो पैकेजिंग होनी चाहिए वो क्लोथ्स बैग में या पेपर बैग में होनी चाहिए. देन हमें जो भी हमारे आइटम्स हैं जिनको हम रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं वो हमें रिसाइकल करनी चाहिए. देन जो हम डिस्पोजेबल यूज करते हैं वो कुछ थर्मोकोल के भी आते हैं और कुछ जो वो बोले लीव्स वाले भी आते हैं, तो उन दोनों में से कौन से वाले पहले डिजेनरेट होंगे जी, बताओ. मैम थर्मोकोल वाले, थर्मोकोल वाले डिजेनरेट जल्दी होंगे? नो मैम. कौन से वाले होंगे फिर? जब अगर बात की जाए थर्मोकोल डिस्पोजेबल्स की, तो थर्मोकोल बेसिकली प्लास्टिक का ही एक वर्जन बोल सकते हो. तो जनरल सी बात है, अगर प्लास्टिक नहीं डिजनरेट हो सकता, उसका टाइम अनडिटरमाइंड है, तो थर्मोकोल का भी कैसे होगा, ठीक है. बट जो हमारे लीव्स के बने डिस्पोजेबल्स होते हैं दे आर इजी टू डिजनरेट, तो हमें चाहिए कि हम ट्राई करें कि वो वाला यूज करें या फिर हम बर्तन यूज करें जो कि बेसिकली जिनको हम वॉश आउट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है. देन कुछ आ सकते हैं पॉइंट्स कि आप जो यहाँ पे इन्होंने बताया 10th पॉइंट में रीयूज करना अपने आइटम्स को, लाइक इन्होंने एग्जांपल दिए कि पेंसिल होल्डर बना लो एक मेटल के कैन से. तो बेसिकली ये एक एक्टिविटी जो हम करते थे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, वो वाली एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे ले ली है, ठीक है. देन और क्या आ सकता है इसमें, और आप
जब भी आपको कोई चीज लेने जाना है तो सिर्फ उसी टाइम पे वो चीज लो, अगर वो जरूरी है, अगर नहीं जरूरी तो उसे रहने दो। मतलब बेसिकली आइटम्स वही खरीदो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अनइम्पोर्टेंट चीजों को ना खरीदो। उसकी वजह से भी काफी सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो साइड पे पड़ी रहेंगी, एक दिन खराब हो जाएंगी, फिर आपको फेंकनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं खरीदोगे तो जिसको जरूरत होगी कम से कम उसे तो मिलेगी, तो डेट इज ऑल्सो अंडर दिस। तो और बैटरीज जो है वो भी, उनको भी रिचार्ज करो रेदर देन उनको डिस्पोज करना। बैटरीज को रिचार्ज कर सकते हैं, काफी रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, ठीक है, तो वो वाली बैटरीज यूज करो। देन दूसरों को भी बताओ कि कैसे सॉलिड वेस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करो जो कि हम करते ही हैं, ठीक है, लाइक जो मैंने एग्जाम्पल दी आपको ऑलरेडी एक्टिविटी की, ऐसी और भी डिफरेंट एक्टिविटीज है जिनको हम यूज करते हैं इस काम के लिए। देन डिफरेंट रेडियोज और टेलीविजन की हेल्प से डिफरेंट अनाउंसमेंट्स करके भी आप लोगों को बता सकते हो कि कैसे सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना है, ठीक है। बेसिकली आपको कम से कम रिसोर्सेज को यूज करना है, अगर कोई रिसोर्स यूज कर रहे हो तो उसे रिसाइकल करके अगेन रीयूज करना है, ताकि हमारे जो न्यू रिसोर्सेज हैं वो बचे रहे। इन शॉर्ट यू कैन से दिस, ठीक है। तो कैसे कैसे कर सकते हो वो आपके डिफरेंट फैक्टर्स यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल्स दी है। इसके अलावा और भी जितने पॉइंट्स आपके माइंड में आते हैं इसके रिगार्डिंग आप वो सारे ऐड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ओके। देन क्लासिफिकेशन है इसकी। बिफोर दैट आप अपनी असाइनमेंट नंबर 2 नोट कर लो। Before going to classification, just note down your assignment number 2. है सभी के पास कॉपी पेन? स्टार्ट करूं? Yes, ma'am. Okay. First question. What do you mean by desertification? What do you mean by desertification? Desertification बोला है, deforestation नहीं बोला, ध्यान से लिखना, ठीक है। इसी के साथ लिखो explain its causes. Explain its causes. And techniques. Explain its causes and techniques to manage or reduce desertification. Ma'am, define its causes ke baad kya hai? And techniques. To manage or control, desertification. Done? Yes, ma'am. Okay, next question. What are the effects of groundwater depletion Also explain the concept of rainwater harvesting. Also explain the concept of rainwater harvesting. ठीक है,
Yes, ma'am. Okay. Then next third question. Define deforestation. Define deforestation. What are its effects and techniques? What are its effects and techniques to manage deforestation? हमें ये भी फाइल पेपर ही करनी है। हाँ जी हाँ जी, उसी पे करनी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड non-biodegradable. Differentiate between biodegradable and non-biodegradable pollutants. Differentiate between biodegradable and non-biodegradable pollutants. नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस हो गए? फोर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? Explain its causes, effects, and preventive measures. Explain its causes, effects, and preventive measures. बस नहीं, अभी नहीं, बस अभी पेंडिंग है क्वेश्चंस, और लिख लो नेक्स्ट क्वेश्चन भी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट वेट. हाँ जी सेम क्वेश्चन है, वाटर पोल्यूशन की जगह पे एयर पोल्यूशन लिख लो. क्वेश्चन सेम है, वाटर पोल्यूशन की जगह पे एयर पोल्यूशन लिख लो. दैट इज अंडर दिस. हो गया ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके हो गए सारे इस असाइनमेंट के. करने हैं आज की गिवन डेट 10th of May एंड सबमिशन डेट इज 17th of May. ठीक है जी. मैम गिवन डेट आज की? हाँ जी हाँ जी, आज सबमिशन डेट है पूरा एक हफ्ते बाद 17th of May. हम कॉलेज खुलने का चांस नहीं है अभी तो नहीं,
एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस अभी तो नहीं है, बाकी इट डिपेंड्स गवर्नमेंट पे. ठीक है, किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो मैम. मैम ये इसके पॉइंट कितने लिखने हैं, बायोडिग्रेडेबल टेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल टेबल? मिनिमम 5 एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, उसके बाद जो भी इसके कैटेगरीज में आप क्या क्या डिफाइन कर सकते हो वो सारा कुछ आएगा. देख लेना एक बार, 5 पॉइंट्स होने चाहिए. ठीक है, ओके मैम. ओके देन हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम ही करेंगे. ठीक है, ठीक है मैम. ओके, थैंक यू सो मच क्लास. थैंक यू, वेलकम मैम. हैव अ ग्रेट डे अहेड. थैंक यू मैम. थैंक यू, थैंक यू मैम. ओके जी, ओके, थैंक यू मैम.